पूर्णिया पुलिस ने साइबर ठगी गैंग के संगठित गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इस मामले को लेकर प्रेस को संबोधित करते हुए साइबर थाना अध्यक्ष कौशल किशोर कमल ने बताया कि गश्ती के क्रम में रंगभूमि मैदान के पास संदिग्ध रूप से 7 व्यक्तियों को एक साथ देखकर पुलिस के द्वारा सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। उन लोगों के द्वारा कोई संतोषजनक जवाब जब नहीं दिया गया तो उनकी सघन तलाशी ली गई। तलाशी के क्रम में एक व्यक्ति अपने मोबाइल से छेड़छाड़ करते हुए पकड़ा गया, जो बाद में अपने मोबाइल को फॉर्मेट कर दिया था। उसके पास से वोटर कार्ड, आधार कार्ड आदि बरामद किया गया। पूछताछ के क्रम में उन लोगों के द्वारा बताया गया कि उन लोगों का एक संगठित गिरोह है। गिरोह के सभी सदस्य का काम भोले भाले लोगों को कुछ पैसे का प्रलोभन देकर उनका खाता खुलवाकर उनके खाते को अपने अपने मोबाइल नंबर से लिंक करते हैं एवं विभिन्न प्रकार के साइबर अपराध को अंजाम देते हैं। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है, यह साइबर अपराध से संबंधित है। जैसा यह विदित है आप लोगों के बीच की जून में इस थाने का उद्घाटन किया गया था, उसके बाद अगस्त से हम लोग को सूचना मिल रही थी कि कुछ लोग यहाँ से हैं जो अकाउंट सेलिंग का कार्य करते हैं और ये जो पूरा नेटवर्क है ब्रॉड, जिसमें कि मतलब साइबर अपराध कहीं और जगह पे किया जाता है और अकाउंट कहीं और का इस्तेमाल होता है और जो प्रोसीड ऑफ इलिसिट मनी है वो अलग अलग अकाउंट में जाते हैं, हर कोई इसका पार्टनर बन जाता है। तो इसी की सूचना के प्राप्ति के उपरांत कल क्या हुआ कि हम लोग को थोड़ा प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुआ लोकेशन को लेकर। उसके बाद हम लोगों ने रंगभूमि मैदान के पास हम लोगों ने छापेमारी किया। छापेमारी के दौरान एक I-20 वाहन था वाइट कलर का, जहां जिसमें 7 लोग सवार थे। उन 7 लोगों को जब रोका गया तो ये लोग फिर भागने की कोशिश करने लगे जब पुलिस को देखे। तो उसके बाद रुकवाने के उपरांत क्या हुआ कि जब हम लोगों ने बारी बारी से इन लोगों से पूछताछ किया तो उस बीच में क्या हुआ कि इन लोग का जो रिप्लाई था वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, और रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री भी नहीं था और उसके बाद एक व्यक्ति जो है अपने मोबाइल में छेड़छाड़ भी करने लगे थे। इसके बाद हम लोगों ने जब और सीरियस होकर इसका बारी बारी से जब मोबाइल चेक किया तो हमें प्राप्त हुआ हम लोगों की इन लोगों के पास बहुत सारे अवैध चीज़ें हैं। किसी का अकाउंट नंबर है, किसी को पैसा का लेन देन का वो है, स्क्रीन शॉट है, और अकाउंट ओपन करवा रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। जब इन लोगों से पूछा कि आपकी आय की स्रोत क्या है तो ये लोग कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे पाए। किसी का भी कोई जो होता है कि एक मतलब 30,000-40,000 जो सैलरी हो किसी का, वैसा किसी का नहीं। तो उसके बाद हम लोगों ने और पूछताछ किया और उसके बाद फिर हम लोग इन लोग का मोबाइल सीज किए और इन लोग के पास जो डॉक्यूमेंट प्राप्त हुआ उसका सील ये जब्ती सूची बनाए। उसके बाद फिर हम लोगों ने केस लॉन्च किया और उसके बाद आप लोगों के सामने विधिवत प्रस्तुत हुए हैं। इनके पास से क्या क्या चीज़ें? इनके पास से मेनली मोबाइल जब्त हुआ है, इनके ATM है, इसके पैन कार्ड है कुछ व्यक्ति के, और आधार कार्ड, एक व्यक्ति का लैपटॉप भी जब्त हुआ है, एक का मंत्रा का वो जो फिंगर जो स्कैन करता है वो है। तो ये सब मेन फाइंडिंग है। इसके अलावा जो फाइंडिंग है वो ई डॉक्यूमेंट है, जो चैट हुआ है या फिर उसके जो फोटो हैं उनके डॉक्यूमेंट जो है उनके मोबाइल में। तो ये लोग अपने जो जुर्म है उसको कबूल किया है कि ये लोग इस तरह के फ्रॉड के काम करते थे? हाँ, इन लोगों ने अपने जुर्म को कबूल किया है, क्योंकि जब हम लोगों ने इनसे पूछताछ किया कि आपने जो ये चैट कर रहे हैं इसका मतलब क्या होता है, आप क्या कर रहे हैं, इन लोगों का फिर यही था कि हम लोग अकाउंट को सेल करते हैं। हम लोग बहुत सारे वैसे लोगों को टारगेट करते हैं जो वल्नरेबल हैं, जैसे कि स्मैकर होते हैं, और इसके अलावा जो वल्नरेबल हो गए जो बहुत बिलो पॉवर्टी लाइन है, एब्जेक्ट पॉवर्टी में रह रहे हैं, जिनको पैसे की सख्त ज़रूरत है, तो वैसे वल्नरेबल लोगों को ये लोग लोड करते हैं और उनको फंसाते हैं, अपने झांसे में लेकर पैसा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी का डिजिटल पेमेंट बैंक से अगर खाता खुलवाया है तो उसको 2,000-3,000 देंगे, और अगर सेविंग अकाउंट है प्रॉपर जो शेड्यूल्ड बैंक है अगर उस तरह का है तो 8,000-10,000 देते हैं। उसके अलावा इन लोग का कट ये भी होता है कि जो अकाउंट में पैसा आ रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हैवी ट्रांजैक्शन होता है तो उसमें परसेंटेज कट मिलता है।